शहनाज गिल का भी जवाब नहीं है, जहां लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने फैंस को टाइम देना तो बहुत दूर की बात है, फैंस की इर्द गिर्द भी नजर नहीं आते हैं, ऐसे में शहनाज गिल ने बाजी मार ली है। जी हाँ भाई, आज तक शहनाज जो करती आई हैं, अब शहनाज जो कर रही हैं, वो इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। जैसा मैंने कहा कि शहनाज गिल वाकई सबसे अलग हैं, सबसे डिफरेंट हैं, और फैंस के लिए जो शहनाज का प्यार है, जो शहनाज का रिश्ता है फैंस के साथ, वो कहा नहीं जा सकता, वो बहुत डिफरेंट है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जिनको ये स्पेसिफिकली कहा जाता है कि यू नो कि आप फैंस से मिल लीजिए, ये कर लीजिए। एक्टर्स कई बार चाहते भी नहीं मिलना, लेकिन फिर भी उन्हें अच्छा दिखने के लिए करना पड़ता है, और खुद कुछ एक्टर्स जेन्युइनली नेचुरली इतने अच्छे होते हैं कि वो खुद ये फैसला लेते हैं कि मैं जाऊँ मिलो। शहनाज लेकिन सबसे अलग है, वो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि फैंस आए हुए हैं, उन्हें वो वाइब फील हो जाती है, और वो खुद अपना सारा काम छोड़कर फैंस को अपना टाइम देती हैं और मैनेज करती हैं सिचुएशन को। जो काम उनके मैनेजर्स का है वो खुद करती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो एक जो वायरल हो रहा है। शहनाज ने अपनी टीम से वहां पर कहा कि क्योंकि बहुत सारे लोग अगर आए हैं फोटो कराने, किसी को निराश करके मत भेजो, हर एक एक बंदे को 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड करो, 10 लोग एक साथ आए फोटो वोटो कराएं फिर जाएं, फिर नेक्स्ट 10 आए फिर फोटो वोटो कराएं फिर जाएं। ये सेंसिबिलिटी जो है ये शहनाज में ही हो सकती है। फैंस ने इसको शेयर करते हुए लिखा है, आई रिकॉर्डेड दिस, शहनाज इज काइंडर देन एनी अदर इंडियन सेलिब्रिटी, शी कॉल्ड ऑल ऑफ अस टू मीट हर एट द होटल रूम, थैंक यू फॉर एवरीथिंग शहनाज। शहनाज ने हम सबको बुलाया और हम सबको वहां पर मिलवाया, ये बात शहनाज कहती है। क्लियरली आपने देखा कि शहनाज ये सिखा रही हैं, शहनाज ये बता रही हैं कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना, किस तरीके से आपको लोगों से मिलना है, किस तरीके से नहीं मिलना। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई एक्टर, कोई सेलिब्रिटी, इतना बड़ा स्टार ये डिसाइड कर रहा है, ये मैनेज कर रहा है खुद से, ना कि अपने मैनेजर्स को कह रहा है। तो यही चीज़ दिखाता है शहनाज अपने फैंस से कितनी जुड़ी हुई है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे बताइएगा। मैं